हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवम साहू। आज जो हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की बात करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा, आपको लिखा हुआ है प्रूफ द फॉलोइंग। प्रूफ द फॉलोइंग मतलब ये एलएचएस पार्ट है और ये आपका आरएचएस पार्ट है। आपको ये तो एलएचएस को सोल्व करके आरएचएस प्रूव कर सकते हो तो वो कर दो, यदि आरएचएस को सोल्व करके एलएचएस प्रूव कर सकते हो तो वो प्रूव कर दीजिए। ओके, तो मान लीजिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आरएचएस सिंपल दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर एक आइडेंटिटी दिख रही है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आरएचएस पार्ट लू, तो आरएचएस पार्ट में मैं देख रहा हूं जो मेरी आरएचएस पार्ट है वो लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये लिखा हुआ है। ओके, यदि मैंने देखा x की जगह पे मैं साइन थीटा पुट कर दूंगा तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये जो प्रॉपर्टी होती है साइन 3 थीटा की प्रॉपर्टी होती है। तो यहां पर मैं पुट करूंगा, यहां पर पुट कर रहा हूं पुट x इक्वल टू आर साइन थीटा। ओके, तो यहां पर मैंने देखा साइन इनवर्स 3x की जगह पर साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये मेरी आइडेंटिटी होती है। अब मैंने देखा साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स देन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा साइन 3 थीटा। तो इस तरीके से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, तो यहां पर 3 थीटा आ गया आपका। तो आप देखेंगे 3 थीटा, थीटा मतलब आप देखेंगे x इक्वल टू आपने साइन थीटा माना था तो थीटा की वैल्यू साइन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो x की जगह पर साइन थीटा की जगह पर साइन इनवर्स x, तो ये जो आएगा वो 3 साइन इनवर्स x आपका इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। ओके, सो हियर आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.2 इज कंप्लीटेड। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन मैंने देखा 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, मेरे को ये लिखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन फर्स्ट के सेम एज इट इज है। यहां पर मैं देख रहा हूं कॉस एक्स की जगह पर कॉस रख दिया जाए तो यहां पर कॉस 3 थीटा की आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो इसका मतलब मैंने देखा आरएचएस पार्ट में देखूंगा क्या लिखा हुआ है यहां पर, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x ये लिखा हुआ है। अब यहां पर मैं लिखूंगा पुट x इक्वल टू आ कॉस थीटा, तो यहां पर मैंने देखा कॉस इनवर्स देन 4x की जगह पर कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, यहां पर इस तरीके से पुट करा तो यहां पर मैं देखूंगा कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये होता है कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला। तो कॉस कॉस इनवर्स कैंसल आउट, तो यहां पर जो फाइनली आंसर आ गया वो कितना आ गया 3 थीटा। तो यहां पर मैंने देखा 3 थीटा की वैल्यू क्या होगी, जब कॉस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। ओके, तो इस तरीके से 3 कॉस इनवर्स एक्स आपका क्या हो जाएगा यहां पर प्रूव हो जाएगा। ओके, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ टेन इनवर्स 2 अपॉन 11 प्लस 10 इनवर्स 7 अपॉन 24 इज इक्वल टू, मेरे को ये प्रूफ करना है। यहाँ पर देखते हैं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y की यदि मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा एलएचएस पार्ट में तो मेरा आरएचएस प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने देखा एलएचएस पार्ट जब मैं सोल्व करूंगा सबसे पहले आपको मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y की। तो यहाँ पर आप देखिए 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y की आइडेंटिटी किस तरीके से इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में याद करी थी, यहाँ पर आप देखिए 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, 10 इनवर्स को आपको सेम एज इट इज लिखना होता है। अब आपको यहां पर फॉर्मूला पता होता है 10a प्लस b का, तो 10a प्लस b का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब आप देखिएगा किस तरीके से मैं सॉल्व करूंगा, यहां पर मैंने देखा 10 इनवर्स, ओके यहां पर x की वैल्यू क्या है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, मतलब x क्या है 2 अपॉन 11, y क्या 7 अपॉन 24। तो इट मींस भले ही इसको ब्रैकेट को आप बड़ा कर लीजिए तो x देखेंगे यहां पर 2 अपॉन 11, y जो देखेंगे वो कितना है 7 अपॉन 24। इस तरीके से लिखा मैंने, होल अपॉन में मैंने देखा 1 माइनस एक्स जो है वो 2 अपॉन 11 मल्टीप्लाई वाई जो है वो कितना है 7 अपॉन 24। तो इस तरीके से मैंने यहां पर वैल्यू को क्या कर दिया है पुट अप कर दिया है। अब इसे एक्चुअली सॉल्व करना होगा तो मैं देख रहा हूं यहां पर 10 इनवर्स, अब ऊपर में देखूंगा यहां पर एलसीएम लेना होगा, चार स्टेप में क्वेश्चन बनेगा तो 11 और 24 का एलसीएम कितना आएगा 11 24 जो 264। तो इस तरीके से आप देखें जो एलसीएम आएगा वो 264 आएगा, 24 2 जो यहां पर ये जो होगा वो 48, 11 7 जो यहां पर मैं कर रहा हूं 77। तो इस तरीके से मैंने यहां पर कर दिया। फिर मैं होल अपॉन में यहां पर देखूंगा, यहां पर मैंने देखा 24 11 जब वापस से यहां पर एलसीएम आएगा तो 24 11 जो 264 और इसके नीचे भी कुछ नहीं है 1, तो 264 और 1 का एलसीएम मैं 264 लिखूंगा, 264 1 जा 264 माइनस 27 जा 14। तो इस तरीके से लिखा, 264 से 264 कैंसल आउट होगा। तो आप यहां पर देखेंगे 10 इनवर्स
तो इस तरीके से आप देखेंगे फाइनली जो आपका आंसर आएगा वह आप बोल सकते हैं टेन इनवर्स 1/2। ओके, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर टेन इनवर्स 1/2 क्या होगा, प्रूफ होगा। ओके, सो हियर अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 2.2 इज कंप्लीटेड। इफ एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन देन कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।